मैंने एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन एक सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि भाई मैं डिवीज़न को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, वेपन ग्लोरी लोकेशन को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, भाई आप लोग कैसे अपने स्टेट को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर प्रूफ देख लो। देखो अभी मेरा डिवीज़न जो स्टेट है वेपन ग्लोरी की लोकेशन का, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो बूम, सिर्फ एक मिनट में एक क्लिक की मदद से बिना अपनी फ्री फायर आईडी को सस्पेंड करे, बिना अपनी आईडी का हॉर्नर स्कोर माइनस करे, मैंने अपने स्टेट को चेंज कर लिया, अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टेट को चेंज कर लिया बहुत इजीली। और भाई आप लोग भी सिर्फ एक क्लिक में अपने स्टेट की लोकेशन को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले बता दूं, आप लोग का आईडी यहां पर सस्पेंड नहीं होगा अगर आप लोग इस ट्रिक को यूज करोगे तो। बहुत सारे प्लेयर्स को लगता है कि भाई वेपन ग्लोरी की लोकेशन को चेंज करने से हमारा आईडी सस्पेंड हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देख लेना, भले ही आप लोग इस वीडियो को लाइक ना करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चलेगा, बस भाई वीडियो को एंड तक देख लेना। एंड अगर आप लोग के पास भाई वेपन ग्लोरी का टाइटल नहीं है, मुझे पता है यार डिस्ट्रिक्ट का टाइटल तो शायद आप सबके पास होगा, स्टेट का शायद आप लोग के पास नहीं होगा, और बहुत सारे बंदों के पास इंडिया का टाइटल भी नहीं होगा। और भाई इंडिया का टाइटल तो सबको पसंद है, लेकिन एक ट्रिक की मदद से, मतलब एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप लोग भाई रीजन का टॉप 1 से लेकर टॉप 100 का इंडिया का टाइटल ले सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूं, और किसी भी वेपन का ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई तुम लोग G18 यूज करो, G18 के पॉइंट बहुत ज्यादा कम है, मतलब भाई तुम लोग ना M10 का, AWM का, जो वेपन भाई बहुत ज्यादा आप लोग यूज करते हो, उसका टाइटल आप लोग ले सकते हो, वो भी इंडिया का, और सिर्फ 3 से 4 घंटे खेल के, सिर्फ 3 से 4 घंटे खेल के, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोग को ये ट्रिक जरूर से पता होगा, या फिर अगर आप लोगों ने मेरा ओल्ड वीडियो देखा है वेपन ग्लोरी का तो भी आप लोग को ये ट्रिक पता होगा। ये ट्रिक मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि आप लोग को कैसे वेपन ग्लोरी के स्टेट की लोकेशन को चेंज करना है। उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लो प्ले स्टोर, वहां पर सर्च करो VPN, आप लोग कोई भी VPN को डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग का आईडी सस्पेंड नहीं होगा अगर आप लोग इस ट्रिक को यूज करके लोकेशन चेंज करते हो वेपन ग्लोरी की। देखो यहाँ पर आपको सिक्योर VPN डाउनलोड नहीं करना है, मतलब आप कोई भी VPN यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिक्योर VPN को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड मेरा आईडी अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। तुम लोग देख सकते हो मैं भाई इसको 4-5 महीने से यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी VPN डाउनलोड कर लो, लेकिन मेरे को ये सिक्योर VPN सही लगता है। डाउनलोड मैंने ऑलरेडी किया है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग मांगेगा, जैसे मैं आप लोग से लाइक सब्सक्राइब मांगता हूँ ना, ये ऐप वाले आप लोग से रेटिंग मांगते हैं, तो आप लोग को अगर रेट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको कट करके आप लोग कनेक्ट कर लो VPN को, गेम को ओपन कर लो। गेम को ओपन करने के बाद जब आप लोग VPN को कनेक्ट कर लोगे ना, तो गेम का जो नेटवर्क स्पीड है वो थोड़ा सा लो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो मैंने अपने लीडर बोर्ड को ओपन किया है, जो वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क स्पीड थोड़ा लो है। अगर आपका भाई बहुत देर हो गया और यहाँ पर लोड नहीं ले रहा है, तो आप लोग एक बार गेम को रिस्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज देखो मेरा वेपन ग्लोरी का लीडर बोर्ड यहाँ पर लोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू का मेरे को एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, बट कोई ना, इसको इग्नोर करो। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है वेपन ग्लोरी का लीडर बोर्ड। देखो थोड़ा सा आपको नेटवर्क कनेक्शन एरर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको साथ थोड़ा थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो आप लोग को सबसे पहले लोकेशन चेंज करना है, और अगर ज्यादा नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लो। अदरवाइज यहाँ पर देखो मैंने ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर देखो जब आप लोग पहले ट्राई करते हो ना अपनी लोकेशन को चेंज करने का, तो लोकेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखो अभी जैसे ही मैंने VPN को कनेक्ट किया, तो डिवीजन यानी कि मेरे स्टेट को चेंज करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर देखो मैंने अरुणाचल प्रदेश, हमारा आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पर ध्यान देखो, इसको नोट करने वाली बात है, ये इसलिए क्योंकि मैंने सब डिवीजन यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट नहीं किया था, जो आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को स्टेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, तभी कंफर्म का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज कंफर्म का ऑप्शन नहीं आएगा। एंड अगर आप लोग को अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को चेंज करना है सब डिवीजन को, तो आप लोग बिना VPN के भी सब डिवीजन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने अभी स्टेट सेलेक्ट कर लिया उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया देहरादून। यहाँ पर लोकेशन चेंज सक्सेसफुली एंड विल टेक इफेक्ट स्टार्टिंग नेक्स्ट मंडे। इसका मतलब आप लोग को समझाता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने स्टेट की लोकेशन को चेंज कर लिया है। और यहाँ पर देखो मैंने ये जो लीडर बोर्ड है ना, इसको कट कर दिया। एंड अब मैं जब फिर से अपने लीडर बोर्ड को ओपन करने जाऊंगा, तो यहाँ पर मेरा जो मैंने सेलेक्ट किया डिवीजन और सब डिवीजन, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मतलब जो मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट किया था, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं उसकी करंट लोकेशन को देखता हूँ, मतलब जहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर तो मेरी पुरानी वाली नहीं, नई वाली दिखा रहा है लोकेशन, लेकिन जहाँ पर वेपन ग्लोरी के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर अभी भी मेरी पुरानी वाली लोकेशन दिखा रहा है। मतलब एक हिसाब से मेरा लोकेशन चेंज नहीं हुआ। आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पर मैंने आपके साथ स्कैम कर दिया, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर आप लोग के साथ सबसे बड़ा धोखा हो जाता है, यहीं पर क्रिएटर आप लोग को फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे
देते हैं। देखो आप लोग जब VPN को यूज करके अपनी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन को चेंज करोगे तो वो इफेक्ट करेगा मंडे को 1 बजे के बाद। मतलब भाई आज है थर्सडे, वेनसडे, मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कब अपलोड करूंगा, लेकिन भाई आज कोई भी डे हो आपकी जो लोकेशन चेंज होगी वो मंडे को ही होगी। जो वीक का फर्स्ट डे होता है ना मंडे, जिस दिन आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो सुबह की 1:15 AM पर आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप लोग को अपनी लोकेशन को चेंज करके रख देना है, VPN को ऑफ कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप लोग VPN को ऑन करके गेम खेलने लग गए। आप लोगों ने लोकेशन चेंज करनी है, डाउनलोड करके लोकेशन चेंज करनी है, VPN को डिलीट कर लेना। अगर आप लोग VPN लगा के भाई गेम खेलोगे तो आप लोग का ID सस्पेंड हो जाएगा, तो फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। VPN लगा के आपको एक भी गेम खेलना नहीं है, क्योंकि VPN लगा के आपको जो वो डैमेज है ना, जो ऑरेंज कलर का दिखता है, येलो कलर का दिखता है, वो रेड कलर का दिखने लगेगा और ID जो है ब्रॉन्ज भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। VPN लगा के गेम बिल्कुल मत खेलना, सिर्फ अपनी वेपन ग्लोरी की स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन को चेंज करना। हाँ, अगर आप लोग हर हफ्ते, मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं ना जो हर वीक भाई दूसरे दूसरे स्टेट का टाइटल लेने के लिए VPN लगा के लोकेशन चेंज करते हैं, तो भी आप लोग का ID सस्पेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग भाई 1-2 महीने में एक बार VPN का यूज कर रहे हो सिर्फ लोकेशन चेंज करने के लिए, तो आप लोग का ID सस्पेंड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं खुद हर 2-3 वीक में VPN का यूज करता हूँ, क्योंकि भाई गेम में जब भी अपडेट आता है ना तो मेरा लोकेशन ऑटोमेटिकली दिल्ली हो जाता है। तो उत्तराखंड करने के लिए मैं VPN को यूज कर लेता हूँ 3-4 वीक में एक बार, इसीलिए मैं आप लोग को भी सजेस्ट कर रहा हूँ। एंड आप लोग चाहो तो किसी भी VPN से अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन भाई VPN को लगा के गेम बिल्कुल भी मत खेलना और हर हफ्ते अपनी स्टेट की लोकेशन को चेंज मत करना। और भाई वैसे भी अगर आप लोग एक बार VPN से अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हो तो फिर जब तक गेम का अपडेट नहीं आएगा आप लोग का लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। एंड हाँ, देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था एक ट्रिक जिसकी मदद से आप लोग वेपन ग्लोरी का जो इंडिया का टाइटल है या फिर अपने स्टेट जो भी आपका स्टेट है, जैसे मेरा उत्तराखंड है, उसका टाइटल ले सकते हो सिर्फ 3-4 घंटे खेल के। एंड मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बोलूंगा कि भाई तुम लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग को सच में भाई इंडिया का टाइटल मिलेगा जिस वेपन का तुम्हें चाहिए, कोई भी वेपन हो। लेकिन अगर मैं उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करूंगा तो भाई ये वीडियो ना सीरियसली 16-17 मिनट का बन जाएगा, तो इसीलिए उस टॉपिक के लिए मैंने एक और वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जो आपको 3-4 दिन में देखने को मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख के भाई क्लैश स्क्वाड रैंक का, BR रैंक का, किसी का भी, किसी भी वेपन का, M10 का, AWM का, UMP का, उसका 1 लाख ग्लोरी भी होगा, जो पॉइंट्स होते हैं ना वो 1 लाख भी होगा ना, तब भी भाई आप लोग टॉप 1 से लेके टॉप 100 तक का टाइटल ले पाओगे सिर्फ 3-4 घंटे खेल के, किसी का भी, क्लैश स्क्वाड रैंक का भी और BR रैंक का भी, जिसका आपको चाहिए। उस ट्रिक के लिए आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो ये आप लोग सब्सक्राइब करना, अदरवाइज भाई आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आ रही है और आप लोग को सिर्फ वो ट्रिक देखना है तो आप लोग 3-4 दिन बाद चैनल पर आकर के देख सकते हो। और अगर मेरे से कुछ भी क्वेश्चन है या आप लोग को कुछ भी हेल्प चाहिए, मतलब काफी सारे प्लेयर्स को हेल्प भी चाहिए होती है ना, तो आप लोग मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ लेकिन रिक्वेस्ट किसी को सेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई तुम लोग को पता है ना कि फ्री फायर की फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 200 प्लेयर्स को ऐड कर सकते हैं और रोज के भाई सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट के 100 से ज्यादा DM आते हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए DM मत करना। लेकिन कुछ क्वेश्चन है या फिर आप लोग के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं भाई इंस्टाग्राम पे सबका रिप्लाई करता हूँ सबका, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।